सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम सलमान है, आप देख रहे हैं लाइफ इज गेम चैनल। आज हम कोई ब्रांड की बात नहीं करेंगे, क्रिएटिन। बहुत मंजिल में जाता हूँ तो बहुत लोग बात करते हैं क्रिएटिन से किडनी खराब हो जाती, कुछ लोग बोलते क्रिएटिन लो तो बॉडी जल्दी बन जाती। तो आज हम बात करेंगे क्रिएटिन, कोई भी ब्रांड नहीं, सिर्फ क्रिएटिन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिन है क्या। क्रिएटिन जो है हमारी बॉडी खुद बनाती है अमीनो एसिड के थ्रू। लगभग 90% हमारी बॉडी में क्रिएटिन खुद ब खुद बनता है अमीनो एसिड के थ्रू। तो जो क्रिएटिन बनता है, कुछ क्रिएटिन हमारे मसल में स्टोर होता है और कुछ जो जिसमें मसल रुकी जो हमारा बॉडी का ढांचा है ना, उसमें स्टोर होता है। अब क्रिएटिन हर आदमी लगभग 1 ग्राम क्रिएटिन रोज मतलब खाता है, वो अपने फूड के थ्रू मिलता है। क्रिएटिन सबसे ज़्यादा ना नॉन वेज फूड में है, फूड में जैसा कि बीफ, चिकन, मच्छी, ये सब में ज़्यादा क्रिएटिन मिलता है। मगर आदमी सिर्फ 1 ग्राम से डेढ़ ग्राम ही ले सकता है, मतलब खाने के थ्रू 1 से 1.5 ग्राम ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। उससे ज़्यादा अगर लेने की कोशिश करेंगे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि और क्रिएटिन लेने के चक्कर में ज़्यादा खाने लगेगा, उसको फैट बहुत सारी चीज़ मिलने लगेगी। तो ये तो क्रिएटिन था। तो हम क्रिएटिन कब लेते हैं? जब हमें हमारा कोई गोल हो या हैवी वर्कआउट हो या स्पोर्ट कर रहे हो आप, स्टेमिना बढ़ाना है, तो हम क्रिएटिन लेते हैं। क्रिएटिन लेने से हमारा मतलब कम से हम लोग क्रिएटिन ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम, कम से कम 5 ग्राम लेते हैं। यहाँ तक क्रिएटिन लेना सेफ है। तो जब आप क्रिएटिन लेते तो आपका स्टेमिना और मतलब जहाँ आप 10 किलो उठाते हो वहाँ 15 किलो उठाने लगते, स्टेमिना बढ़ जाता है बहुत जल्दी, वो तुरंत काम करते हैं क्रिएटिन करीबन सब प्रोटीन से जल्दी काम करते हैं क्रिएटिन। क्रिएटिन हमें कितने टाइम तक लेना चाहिए? क्रिएटिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2 महीने से 3 महीने तक ही ले सकते, उसके बाद इसको स्टॉप करना पड़ता है। इससे ज़्यादा हम लेंगे ना तो नुकसान करते हैं। क्रिएटिन कैसे लेना है? क्रिएटिन शुरू में 5 ग्राम, शुरुआत आप 5 ग्राम से ही करो, फिर जैसे जैसे आपका गोल है उसे उसे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट 20 ग्राम ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना और फिर उसके बाद 1 महीना आपको स्टॉप करना है। या आप ओवरलोड करोगे तो आपके किडनी और लीवर पे असर आ जाता है, मतलब नुकसान करने लगती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक कोशिश करें 3 महीना ही ले। दूसरी बात, क्रिएटिन कितने तरीके की? क्रिएटिन बहुत तरीके का, मगर कुछ क्रिएटिन की हम बात करेंगे, जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और माइक्रोनाइज क्रिएटिन, एल क्रिएटिन, मगर हम दो ही की बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन कैसा है कि पानी में जल्दी नहीं घुलती, उसको डालो हिलाओ और फिर पियो तुरंत, नहीं थोड़ा टाइम भी रुकाना तो नीचे आपको जमा हुआ दिखेगा, जैसा कुछ नमक के जैसा या तो शक्कर के जैसा नीचे व्हाइट कलर का जमा हुआ दिखता है, वो तुरंत नीचे जम जाती है। तो उसको डालना है और हिलाना है, तुरंत पीना है, तो थोड़ा सस्ती मिलती है। क्रिएटिन माइक्रोनाइज जो है मोनोहाइड्रेट को करीबन 20 बार माइक्रोनाइज करने के बाद क्रिएटिन माइक्रोनाइज बनती है, जो पानी में डालते ही घुल जाती है एकदम नमक के जैसे, डालोगे घुल गई पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रिएटिन माइक्रोनाइज लो। वो क्रिएटिन माइक्रोहाइड्रेट से मुमकिन 200 150 या 200 ज़्यादा ही, उतना ही महंगा थोड़ा सा ज़्यादा मतलब महंगा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 150 ही फर्क रहेगा। आप कहेंगे क्रिएटिन नुकसान क्यों करता है? क्रिएटिन को हम लोग अगर ज़्यादा लिए, ज़्यादा टाइप मतलब आपकी बॉडी 5 ग्राम, शुरुआत 5 ग्राम कर लो तो आप सोच रहे हो कि जल्दी बॉडी बने या मेरी स्टेमिना ज़्यादा बढ़े, तो आप कंटिन्यू ले रहे हो, सुबह ले रहे हो, शाम ले रहे हो, ज़्यादा ओवरलोड करोगे तो क्रिएटिन आपकी किडनी और लीवर पर असर डालता है। जितना आपके बॉडी को चाहिए उतना ही लो, मतलब शुरुआत 5 ग्राम से करना है, लास्ट 20 ग्राम, इससे ज़्यादा मत लो। दूसरा कब नुकसान करके क्रिएटिन जो ले रहा है या सप्लीमेंट या प्रोटीन कुछ भी ले रहा है, उसको कम से कम 4 से 4.5 लीटर पानी पीना ही पीना। क्रिएटिन के बॉक्स के पीछे आपको साफ अक्षर में लिखा रहता है जो आपको डिस्प्ले पे दिखेगा कि 8 गिलास से 12 गिलास पानी पीना है, मगर कम से कम बोला है, मगर आप जहाँ तक कोशिश करें तो 4 से 4.5 लीटर तक पानी पिए रोज का पर डे। अगर उससे कम पियेंगे तो आपको नुकसान कर देंगे, अगर उससे कम पी रहे ना
क्रिटिन लो ना सप्लीमेंट लो ना कुछ, पहले आप पीने 5-4.5 लीटर पीने पानी पीने की आदत डालो, फिर उसके बाद लो क्रिटिन या कोई भी सप्लीमेंट ले। आप कोई भी कंपनी का ब्रांड ले सकते मगर वो उस पर क्रेट प्योर का निशान होना जरूरी है, क्योंकि वो हम लोग को भरोसा दिलाता है कि ये ओरिजिनल है, क्रेट प्योर है। तो आप वो निशान हो तो ही लो। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऑन का लो, मसल टेक का लो, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, सब ब्रांड अच्छा होता है, मगर उसमें केयर प्योर का निशान होना ही चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, और कुछ भी सवाल है आपको क्रिएटिन के बारे में तो नीचे कमेंट करें, हम जवाब देंगे।